सोपोर से इस वक्त एक बेहद ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक न्यू बॉर्न बेबी को वॉशरूम में सोपोर हॉस्पिटल में किस तरह से फेंका गया, शायद ये सुन के आपकी रूह जरूर काम जाएगी। पूरा मामला जानेंगे, पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं डॉक्टर का क्या कुछ कहना है। सवाल तस्वीरों में आपको बता रहे हैं सोपोर हॉस्पिटल, जहां पर खिड़की से बताया जा रहा है कि इस न्यूबॉर्न बेबी को फेंका गया, और उसके बाद क्या कुछ कहना है डॉक्टर का वो सुनिए। तो पता है पुलिस द कॉग्निजेंस ऑफ दिस मैटर, तो इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन। सर सीसीटीवी पे आपने देखा? हाँ, अभी चल रहा है वो, उसकी वो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो देख रहे हैं हम कहाँ तक। अभी तक वैसे कोई क्लू नहीं मिल रहा है हमें, बट वी आर ऑन इट। थैंक यू सर। तो आप साफ तौर पर दे सकते हैं कि कैसे सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है उस शख्स का उस पता लगाने के लिए। तो चलिए रुक करते हैं सोपर से। हमारे साथ नदीम इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम बताइएगा क्या है पूरा मामला। बिल्कुल प्रियंका, अगर हम देखें दिल दहलाने वाला, हम ये कह सकते हैं कि रोंगटे खड़े करने वाला मामला जो है आज सोपोर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर पेश आया। जब सुबह सुबह अगर हम देखें जो ही एक शख्स वॉशरूम के अंदर गया, तो उसने जो है न्यूबॉर्न बेबी को वहां पाया, जो कि एक लड़की बताई जा रही है, एक लड़की थी, और उसकी जो है मौत वाकया हुई थी। और क्या है मामला, जब वहां पे डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया गया या वहां पे अगर हम देखें मुकामी पुलिस भी मौके पर पहुंची, तो बताया जा रहा है कि रात के दौरान जो है किसी शख्स ने जो है, औरत है या मर्द है, हालांकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी जारी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, पुलिस तहकीकात कर रही है कि कौन आया रात के टाइम पे और इस बेबी को जो है वॉशरूम के अंदर जो है खिड़की से फेंका गया है अंदर, और उसके बाद जो है वो शख्स वहां से फरार हो गया है, और उसके बाद जो है इस बेबी की मौत भी वाकया हुई है। और उसके बाद अगर हम देखें ये दिल दहलाने वाला वाकया जो है सोपोर SGH हॉस्पिटल में पेश आया, और उसके बाद की अगर हम देखें BMO सोपोर से भी हमने बात की, तो उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जो है आया कि जारी है, सीसीटीवी फुटेजेस जो है खंगाली जा रही है, चेक की जा रही है कि हर एक सीसीटीवी फुटेज पे आया कि कौन शख्स है, औरत है या मर्द है, जिसने इस बच्ची को वहां पे लाया और उसके बाद जो है इसको वॉशरूम के अंदर रखा, और उसके बाद जो है इसकी मौत वाकया हुई है। और उसके बाद की अगर हम देखें पुलिस और जो डॉक्टरों की टीम है वहां पे आई, और उसके बाद जो इस बच्चे को वहां से उठा के जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की गई, और उसके बाद जो है इस बच्चे को दफनाया भी गया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इसके पेरेंट्स कौन है, आयाची कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये खंगाला जा रहा है, और पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीसीटीवी फुटेज के जरिए से चेक किया जा रहा है कि कौन शख्स जो है रात के टाइम पे हॉस्पिटल के अंदर आया। हालांकि बाहर से जो खिड़की वॉशरूम की खिड़की है वहां से इस बच्चे को जो है अंदर फेंका गया है, हालांकि उसके बाद जो है बच्चे की मौत भी वाकया हुई, और इस हवाले से जो है एक FIR भी दर्ज की गई है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आयाची कौन है, किसने इस ऐसा जो है दिल दहलाने वाला वाकया जो है, रोंगटे खड़ा करने वाला वाकया जो है ये सामने आया कि ये लड़की छोटी कमसिन सी बच्ची जो अभी दुनिया में आई थी, और उसके साथ जो है इतना खतरनाक वाकया पेश आया, जब उसके पेरेंट्स ने ही उसको वहां से खिड़की से फेंक कर जो है उसकी मौत हुई। और उसके बाद जो है अभी पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आज क्या मामला है, क्यों ऐसा हुआ है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि ऐसे मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। हॉस्पिटल आज अगर हम देखें सोपोर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, तो ये वाकया आज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर के अंदर पेश आया। BMO साहब भी जो है अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, आयाची मामला क्या है वो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। जी प्रियंका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। और एक दिल दहला देने वाला मामला, काफी शॉकिंग है, एक बच्ची जिसने अभी दुनिया में कदम रखा ही था कि उसे पहले ही इस तरह से कैसे खिड़की के जरिए फेंका गया, और उसके बाद मौत वाकया हुई और अब दफना भी दिया गया है। फिलहाल इस अपडेट के साथ लूंगी इजाजत, देखते रहे जी।